12 people from a club by picking lots of one of them will host a dinner for all once in a month. The नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट इन अ ईयर. तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कह रहे हैं कि 12 पीपल्स हैं, एक क्लब बनाते हैं और उनमें से 12 पीपल में से किसी एक को पूरे ईयर में एक महीने मतलब वंस अ मंथ आपको क्या करना है, डिनर कराना है. द नंबर ऑफ डिनर्स पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट, तो कह रहे हैं कि एक जो मेंबर है वो कितने डिनर होस्ट करेगा. तो यहाँ पर आपका जैसे बहुत लोग कहेंगे कि वन है, जीरो है, थ्री है, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. तो अगर इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा. देखो 12 पीपल है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमारे कितने 12 पीपल हैं. अब फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि एक ईयर में अगर हम ईयर में बात करें तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होंगे, ठीक है. और 12 पीपल हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दें तो फर्स्ट मंथ में हो सकता है कि इसका हमारा आ जाए, सेकेंड मंथ में इसका आ जाए, थर्ड मंथ में ऐसे हो सकता है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में इसका आया, सेकेंड मंथ में भी इसका आ गया, और थर्ड मंथ में भी इसका आ गया, फोर्थ मंथ में भी इसका आ गया और बाकी मंथ में नहीं आया. हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में इसका आया, सेकेंड मंथ में इसका, थर्ड मंथ में इसका आ गया. हो सकता है फर्स्ट मंथ में इसका आ गया, सेकेंड मंथ में इसका आ गया, एंड थर्ड मंथ में 12 वाला जो पर्सन है उसका नंबर आ गया. तो यहाँ पर आप जो है वो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक मेंबर जो है वो एक बार कराएगा, वंस वन टाइम कराएगा एक साल में, या फिर 0 टाइम कराएगा, या फिर 3 टाइम कराएगा, या फिर 12 टाइम कराएगा. तो हम ऐसा बता ही नहीं सकते कि वो एक टाइम कर सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम भी आ सकता है, 12 टाइम आ सकता है. तो यहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो ये इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.